तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का लास्ट एक्सरसाइज 2.3 कर लेते हैं और पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म करते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हों, जो भी डाउट्स हो, सब आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और कमेंट सेक्शन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और जीमेल दिया हुआ है, दोनों जगह पे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप पे आप पिक्चर से या जैसे भी भेज के पूछ सकते हो। आपके जितने डाउट्स होंगे सब क्लियर किए जाएंगे। सबके ऊपर एक अलग से हर का मेंशन करके नाम YouTube शॉर्ट्स या फिर जैसे भी हो, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जरूर डाउट्स जरूर पूछना। कोई भी क्लास 10th 9th में मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है तो डायरेक्ट पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है लॉन्ग डिविजन मेथड से। और जो भी मेथड है, जो भी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो सारी वीडियोस में बता जा चुकी है। तो चलो, और खुद से क्वेश्चन आपने मुझे लगता है कर लिया होगा। अगर कर लिया है उसके बाद आप ये देख रहे हो तो ठीक है, अगर खुद से मेहनत नहीं की है तो प्लीज़ पहले खुद से करो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो भाई पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और भाई मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में। तो एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, याद रखना, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स क्यूब लाइक टर्म बनाना है। तो लाइक टर्म बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, एक्स क्यूब, और फिर इस माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया माइनस 2x। अब यहाँ पे एकदम ब्रॉम ने लिख दिया तो पता चला क्या कि भाई इसके नीचे तो नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखना था, क्योंकि भाई अगर इसके नीचे लिख देंगे तो भाई ये एक्स स्क्वायर और एक्स तो लाइक टर्म है ही नहीं। अगर लाइक टर्म नहीं है तो इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ही नहीं सकती है। तो हमको इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। मेरे जब मैं एक्सरसाइज बना रहा हूँ तो गलती कौन करेगा, सारी मैं, ना कि तुम। क्योंकि मैं गलती करूँगा तो मैं तो यहाँ सुधार सकता हूँ और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये गलती हमें नहीं करनी है। तो पहली गलती क्या, ये कभी इसके नीचे नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है, इसके साइड में लिखना है। तो चलो भाई साइड में लिखेंगे। साइड में लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रब, और ये सारा इसको यहाँ पे रब कर दिया। अब इसको तुरंत क्या लिख देंगे, साइड में। कहाँ लिख देंगे, यहाँ माइनस 2x। और दोनों टर्म से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों टर्म से इसलिए मल्टीप्लाई होता है कि भाई ये कुछ ऐसा है, ब्रैकेट में है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। छोटे से छोटे डाउट भी जितना मुझे लगता है मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे आप अपने डाउट छोटे से छोटे खुद से भी ज़रूर कमेंट और जहाँ टेलीग्राम या फिर जीमेल के थ्रू पूछिए, तो जो भी डाउट हो सारे बताए जाएंगे। तो ये रहा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये कट गए, कुछ भी लगे कि भाई यहाँ माइनस क्यों प्लस के, जो भी छोटा डाउट है तो मैं बता देता हूँ यहाँ माइनस क्यों लिखा जाता है। क्योंकि जैसे ये अभी क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x टर्म है ये नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन ही तो आता है, तो माइनस करेंगे तो दोनों टर्म पे माइनस लगेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग बस ऐसे लिख देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 7x, और ये प्लस है, और ये इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 3x², और ये आ गया माइनस 3। अब क्या करेंगे, दूसरे टर्म को देखेंगे, तो दूसरे टर्म में क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3। तो माइनस 3 बाई मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, दिस कैंसल, 7x माइनस 9। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 7x कैसे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, है ना, है ना। हाँ भैया, नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि डिग्री जो है हमारी रिमाइंडर की कम है। किसकी डिग्री से, डिवाइजर की डिग्री से कम है, इसीलिए अब तो आगे हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा रिमाइंडर आ गया क्या, आर एक्स, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 7x माइनस 9। क्वेश्चन क्यू एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस 3, और हमारे पास डिवाइजर जी एक्स था और पॉलिनोमियल पी एक्स था। तो चारों चीज़ आ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स को इससे करना है भाई, तो सारा डिवाइड कर दो तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। पहले क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो भाई लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये उल्टा है तो इसको सीधा कर देंगे, प्लस 1,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने से पहले एक चीज, तुम लोग ऐसे लिख दोगे तो कर तो दोगे, लेकिन देखो होने क्या वाला होगा कि एक्स टू दी पावर 4 है, यहाँ 2 है, एक्स टू दी पावर 4 के बाद 2 है, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, मतलब 4 से कहाँ गए, डायरेक्ट 2 पे चले गए पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन जो हमारा ये है डिवाइजर है, डिवाइजर में डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, देखो मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट 2 है, फिर पावर 1 है, फिर यहाँ है मान लो एक्स टू द पावर 0, तो मतलब डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है डिवाइजर में, 1 का, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का हो जा रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1, तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक टर्म हमारा गायब है जो कि है एक्स टू द पावर 3 वाला, ठीक है, एक्स टू द पावर 3 वाला टर्म गायब है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू टू द पावर ऐसे करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा डिक्रीमेंट बस एक का है यहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखोगे क्वेश्चन तो अभी तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा जब क्वेश्चन लिखने लगो ना, तो पहले देख लो डिक्रीमेंट कैसे है, अगर डिक्रीमेंट सेम है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी अगर 2 होता तो ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सारे टर्म्स लिखने हैं। क्यों लिखना है वो अभी देखो, सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी। तो देख लो क्या करना है, ये खत्म, और यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4, अब इसको कैसे लिखना है, एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा अब लिख दिया, अब देखो एक्स स्क्वायर को करेंगे जब 4 अगर बनाना है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब। अब देखो अगर तुम ये वाला टर्म नहीं लिखते तो ये कहाँ लिखते, फिर लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखा जा रहा है ना भाई, तो लाइक टर्म्स के नीचे लिखा जा रहा है तो ये वाला टर्म कहाँ लिखते, माइनस एक्स क्यूब कहाँ लिखते, तुमने तो ये लिखा ही नहीं था, तो फिर वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाती। तो अब ये यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1 का एक्स स्क्वायर, अब इसको माइनस का प्लस, ये माइनस, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों तो कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 4x स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हो गया, हमारा 4x को ऐसे लिख देंगे प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, सिंपल। अब क्या करेंगे, दोबारा इसको कर लो भाई एक्स क्यूब करने के लिए, किससे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस किया तो ये तो कट गया, और यहाँ पे क्या गया 3x स्क्वायर नेगेटिव में, और यहाँ गया माइनस 5x, और यहाँ क्या गया प्लस 5। अब अगला क्या करेंगे एक्स, तो अगला क्या हो गया माइनस है 3, माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस 3x, और तीसरा क्या हो जाएगा माइनस 3, अब इसको प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया ये कट गया, अब माइनस माइनस 8x और यहाँ पे प्लस 8। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे भी सॉल्व कर दो, नहीं भाई तुम कर दो, अरे भाई जब कम हो गया डिग्री हमारे डिवाइजर से तो क्यों करेंगे। अब हमारा ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगला देखो, अब अगला भी ऐसे ही करना है, अब अगला अब देखो ये क्या है डिक्रीजिंग में लिखना है, तो पहले दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ पे देखो एक्स टू दी पावर 4, यहाँ डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है 3 का, यहाँ कितने का था 2 का था, तो आपको क्या करना है 2 वाला भी लिखना पड़ेगा, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0 एक्स टू दी पावर स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब कर दो तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो वो एक्स टू द पावर 4 बन जाएगा, और फिर 2 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो अब इसको ये माइनस ये प्लस ये कैंसल प्लस प्लस 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6। अब दोबारा एक्स स्क्वायर को इससे करने के लिए क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर
और माइनस टू को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, सॉरी माइनस फोर, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे किया तो ये दोनों कट गया, ये क्या आ गया माइनस फाइव एक्स, और ये क्या आ गया प्लस टेन, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर आर एक्स। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन भी आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और रिमाइंडर भी आ गया। अब अगला देखते हैं भाई, तब क्वेश्चन टू क्या है, बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है नहीं है। तो भाई इसको पता करने का तरीका क्या है, पहली बात तो वीडियो देखो तो उसमें अच्छे से बताया हुआ है, वरना ये देख लो कि भाई मैं अगर कहूँ कि 3 को डिवाइड करो 9 से, एक क्वेश्चन दूँ कि 3 को डिवाइड करो 11 से, ठीक है, तो भाई 9 वाला तो तुम क्या कह दोगे, 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 0, और यहाँ पे 3 करेंगे तो 9 और 2 रिमाइंडर। तो भाई अब बताओ दोनों में से 3 का फैक्टर कौन सा है, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसको पूरा ये डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है, उसका मतलब कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 का फैक्टर है 3, लेकिन इसमें क्या है रिमाइंडर 2 आ रहा है, पूरा डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ आ रहा है, इसका मतलब 11 का फैक्टर नहीं है 3। तो ऐसे इसमें भी होगा, इसको जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाएंगे टी स्क्वायर माइनस 3 से, अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब क्या, फैक्टर ये वाला टी स्क्वायर माइनस 3 है इस पॉलिनोमियल का, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, रिमाइंडर 0 अगर आया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो भाई इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, टी टू द पावर 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12, और यहाँ क्या है टी स्क्वायर माइनस 3। तो भाई अब इसमें क्या करना है, ये यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे टी स्क्वायर को इसको बनाने के लिए 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 टू द पावर 4 आ गया, माइनस 3 को 2 टी स्क्वायर से आया तो माइनस 6 टी स्क्वायर। अब इसको ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, यहाँ पे 3 क्यूब, यहाँ पे प्लस 4 टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 9 टी माइनस 12। अब क्या करेंगे भाई, तो टी तो प्लस 3 टी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 3 टी क्यूब, और माइनस 3 तो ये माइनस 9 टी, अब ये यहाँ पे आया तो ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो क्या बचा 4 टी स्क्वायर माइनस 12। अब क्या करेंगे, तो टी को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू तो माइनस 12, और भाई माइनस प्लस 0, रिमाइंडर 0, इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है, टी स्क्वायर माइनस इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब पार्ट टू देखो, तो पार्ट टू में भी क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आया डिवाइड करके तो फैक्टर ये वाला है इसका, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो जल्दी जल्दी तुरंत डिवाइड कर लो, तो भाई तुरंत डिवाइड किया तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया, और 3x को किया तो 9x क्यूब आ गया, और प्लस 1 किया तो 3x स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस 4x क्यूब, ये क्या हो गया माइनस 10x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस 2 सेम। अब क्या करेंगे, दोबारा इसको लाइक टर्म बनाने के लिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई तो माइनस 4x ये आ गया, इसको किया तो माइनस 12x स्क्वायर आ गया, अब इसको किया तो माइनस 4x आ गया, अब दोबारा ये प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये 2x स्क्वायर, ये 6x प्लस 2। अब इसको लाइक टर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया 6x, और ये क्या हो गया प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 2 आते ही माइनस माइनस माइनस, तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब पूरा का पूरा ये डिविजिबल है इससे, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका फैक्टर है।
अब अगला क्वेश्चन देखो तुरंत। तो अब जल्दी जल्दी पार्ट थ्री भी देख लेते हैं। पार्ट थ्री में भी वही देखना है क्या कि भाई पूरा डिविजिबल है कि नहीं है, पूरा डिविजिबल है कि नहीं, मतलब रिमाइंडर जीरो आता है नहीं, रिमाइंडर जीरो आता है मतलब ये इसका फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ भी डिक्रीमेंट टू हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीमेंट टू नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स टू दी पावर फाइव आ जाएगा, इसको किया तो माइनस थ्री एक्स क्यूब, इसको किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों भी कैंसिल, तो अब क्या आ गया प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब क्या है माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन से किया तो दिस, और इसको किया तो माइनस थ्री एक्स के प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस वन की जगह माइनस वन, तो अब ये क्या आ गया प्लस माइनस प्लस, ये दोनों भी आपस में कैंसिल, माइनस प्लस ये दोनों भी कैंसिल, अरे ये तो प्लस प्लस है तो ये प्लस टू। तो भाई रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया टू, रिमाइंडर कुछ आया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, पूरा डिविजिबल नहीं है। हो गया ये भी क्वेश्चन, चलो पार्ट थ्री भी क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़े तो अब क्या है ऑप्टेन ऑल जीरोस, इसके ऑल जीरोस निकालने हैं जब दो जीरो दिए हुए। तो भाई ऐसा है, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है, अगर तुम्हें मैं डायरेक्ट करूँगा, अगर तुम्हें नहीं समझ आया कैसे हुआ तो आपको क्या करना है, तो जहाँ पे एग्जाम्पल जहाँ थ्योरी में बताई गई है उस पे जाओ देखो वो वीडियो, आपको पूरा समझ आएगा क्यों क्या क्या। तो अब इसको डायरेक्ट करते हैं, हमें दो जीरोज मालूम है तो तुरंत दो फैक्टर निकालेंगे हम लोग। दो फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस रूट अंडर फाइव थ्री और एक्स प्लस रूट अंडर रूट थ्री, ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है और ये दोनों ही जीरोज हैं, तो इसका मतलब इक्वल टू जीरो करके आया है, तभी इक्वल टू जीरो था तभी तो फिर एक्स इज इक्वल टू ये आया, फिर एक्स इज इक्वल टू या तो ये आया। तो अब देखो अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर फाइव थ्री का होल स्क्वायर स्क्वायर, ये कैसे आया, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला क्या था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको क्या किया भाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री अब इज इक्वल टू जीरो, तो भाई हमारे पास ये तो आ गया, हमारे पास फैक्टर आ गया, अब ये एक फैक्टर आ गया, अब इससे हमें दो फैक्टर और निकालने हैं। लेकिन अच्छा हाँ ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो भाई फ्रैक्शन में तो थोड़ा ये मुश्किल होगी सॉल्व करने में, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग कन्वर्ट, थ्री कॉमन लेके थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं फिर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको फैक्टर हम लोग मान सकते हैं, और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों ऐसा फैक्टर मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं, थ्योरी की वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, ठीक है। अब ये फैक्टर आ गया, अब क्या करना है, फैक्टर आ गया तो अब दो फैक्टर और कैसे निकलेंगे, तो दो फैक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, डिवाइड कर दो किससे पॉलिनोमियल से, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना चाहिए और उसके बाद हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो भाई अब इसको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब ये बहुत अच्छे से एक एग्जांपल है, मुझे याद था उसको मैंने बताया हुआ है, तो थोड़ा भी लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कुछ, तो या तो तुम डाउट भी पूछ सकते हो या तो उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ सारा, वो शायद लेक्चर थ्री इससे पहले वाला लेक्चर है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए भाई तो क्या करेंगे थ्री एक्स टू दी पावर फोर कैसे आएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये आ गया तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल तो सिक्स एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव,
अब क्या करेंगे टू स्क्वायर से करने के लिए, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई, प्लस 2x से किया तो x क्यूब, माइनस माइनस 10x, ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों भी कैंसिल, तो क्या बचा 3 स्क्वायर माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाइड, तो 3 स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस ये प्लस कैंसिल कैंसिल, जीरो रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या आ गया क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आया वही क्या होगा रिमाइंडर। क्यों होगा तो भाई चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, वैसे आप कॉन्सेप्ट वाले देख लो क्यों होगा, क्योंकि मान लो मैं 24 कहता हूँ, इसके चार फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो भाई अगर मैं कहूँ कि मुझे दो फैक्टर 2 × 2 दिए हुए हैं और मुझे बाकी दो निकालो, तो क्या करोगे 24 से डिवाइड कर दो कि किसको 2 × 2 यानी 4 को, तुम्हारा 6 आएगा, 6 क्या है फैक्टर है, फिर उससे दो फैक्टर निकालने के लिए इसके दो फैक्टर देख लोगे। ऐसा ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था कोई, उसको डिवाइड किया हमारे दो जो फैक्टर्स थे उनके मल्टीपल से, और फिर क्या आया एक और फैक्टर जो कि आया क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद। अब इसका क्या दो फैक्टर और निकालने, दो फैक्टर और कैसे निकलेंगे फैक्टराइजेशन से हमें, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन ही एक मालूम है, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो भाई 1 डाल दो 1x प्लस 1x प्लस 1, तो तुम्हारा x कॉमन लिया तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो अब ये आगे दो फैक्टर्स, और जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो दो जीरोज हमारे पास माइनस वन आए, एक ही है लेकिन मतलब भाई दोनों जीरो सेम है, माइनस वन और ये माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, तो दो चारों जीरोज हमें पता चल गया दो फैक्टर निकालते ही। चलो तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फोर, तो क्वेश्चन फोर में क्या है कि ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय जी एक्स द क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया, तो फाइंड करना है जी एक्स। तो चलो भाई अब मान लो पॉलिनोमियल जो डिवाइडेंट है उसको पी एक्स, ठीक है, तो पी एक्स क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, रिमाइंडर को मान लो आर एक्स, तो आर एक्स हमारा क्या है माइनस 2x प्लस 4, और क्वेश्चन क्या है क्यू एक्स, क्यू एक्स को मान लो एक्स माइनस 2, फाइन क्या करना है डिवाइजर जी एक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें पता है कि भाई डिवाइडेंड पी एक्स इज इक्वल टू क्या, तो डिवाइजर जी एक्स इंटू क्या क्यू एक्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आर एक्स। तो अब देखो हमें पता क्या करना है जी एक्स और बाकी सब दिया हुआ है, तो भाई पी एक्स से फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, तो आर एक्स हो जाएगा इस साइड आएगा, और यहाँ पे क्या बचा जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब अगला क्या किया क्यू एक्स को इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बोथ साइड करके डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो भाई इसका मतलब हमें जी एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट और उसके बाद क्वेश्चन से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा डिवाइजर। तो पहले क्या करो भाई पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले पॉलिनोमियल क्या था भाई हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2, अब इसमें से माइनस करना है आर एक्स, तो माइनस 2x प्लस 4, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4। अब भाई एक्स ये और दिस टर्म को सॉल्व करना है, तो अब क्या आया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस आर एक्स। अब इसको क्या करना है डिवाइड किससे करना है क्यू एक्स से, तो भाई अब क्यू एक्स से डिवाइड कर दो, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था भाई एक्स क्यूब, दोबारा एक बार देख लो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही था ना, हाँ यही था, देख लो दोबारा, हाँ, और हमारा क्यू एक्स क्या है भाई एक्स माइनस 2,
एक्स माइनस टू। तो अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब भाई माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, ये क्या गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। एक्स को इससे करने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस टू एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, ये क्या गया एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू करने के लिए प्लस वन कर देंगे, एक्स माइनस टू, माइनस प्लस कैंसिल 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 जीरो। तो हमारा ये पूरा डिविजिबल था और हमारा क्या आ गया क्वेश्चन जो आना चाहिए था, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो इसको पॉलिनोमियल को पी एक्स माइनस आर एक्स को जब क्यू एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि हमें फाइंड करना था आंसर, हेंस सॉल्व्ड। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गिव द एग्जांपल्स ऑफ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिदम। तो भाई हमें डिविजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करते हुए ये तीन कंडीशन में कोई भी पॉलिनोमियल निकालना है, तो ये तो खुद करो और मैं वैसे थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो देखो भाई, पहले तो डिविजन एल्गोरिदम है क्या, तो भाई डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि क्या हो जाएगा पी एक्स, डिवाइजर को क्या लिखाएंगे जी एक्स, और यहाँ क्या है क्यू एक्स, और उन्होंने क्या दिया हुआ है आर एक्स, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हमें इसको सेटिस्फाई करते हुए क्या बताना है कि भाई कोई ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो, मतलब पॉलिनोमियल डिवाइडेंट की डिग्री और क्वेश्चन की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम, डिग्री सेम होनी चाहिए क्वेश्चन की और डिवाइडेंट की। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, कुछ भी देख लो। तो भाई मुझे ये दोनों डिग्री करनी है, तो इसकी कोई भी डिग्री मान लो, चलो मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जी एक्स कुछ रखना है, तो जी एक्स मान लो मेरा, इसको फिर थ्री, और क्यू एक्स मान लो मेरा क्या एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है। और क्वेश्चन मान लेंगे हम उन लोग अपना वन, तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये इसको कर दो थ्री एक्स स्क्वायर। तो अब देखो भाई ये हमारा हो गया डिवाइडेंट, कैसे बनाया मैंने ध्यान रखो, ये डिवाइडेंट और हमारा ये क्या हो गया डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे, और ये क्या हो गया क्वेश्चेंट, ये क्या है क्वेश्चेंट, और ये क्या है रिमाइंडर। इसको ये सेटिस्फाई भी हो रहा है, और डिग्री देखो क्या है एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन की भी क्या है डिग्री एक्स टू, तो दोनों की डिग्री टू, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब ऐसे ही दूसरा देखें, तो दूसरे में क्या करना है क्यू एक्स जो हो डिग्री उसका क्या हो रिमाइंडर, मतलब क्वेश्चन का ही डिग्री किसके बराबर हो रिमाइंडर क्या हो। तो देखो पहली बात तो ये, जब ये लॉन्ग डिविजन मेथड से कभी भी होगा ना सॉल्व, ये चीज़ कभी नहीं होगी, नहीं आएगी, लेकिन चलो हमें कहा गया तो हम इसमें तो निकालें। तो चलो भाई, अब भाई कुछ ऐसा निकालने के लिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन निकालने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन और डिग्री कुछ मान लेते हैं सेम। तो भाई इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, और रिमाइंडर को भी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किसी जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि है थ्री। अब भाई देख लो पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फोर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कोई भी एक एग्जांपल, जिसमें अगर तुम्हें और कुछ टिपिकल मतलब अच्छा करना है तो भाई क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको थ्री एक्स कर दो, या इसको x प्लस वन, देखो भाई इसको और कुछ अच्छा
और कुछ टिपिकल बनाना है तो इसको भाई ऐसे कर दो, पहले जो जो चाहिए सेम वो कर दिया, अब क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन को x प्लस वन ले लो भाई, इसके बारे में तो कुछ नहीं है, तो अब क्या आ जाएगा x प्लस वन इंटू ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आना चाहिए ये एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा पॉलीनोमियल क्या हो गया, डिवाइडेंट आ गया हमारा दिस, हो गया दोबारा सॉल्व, ये कंडीशन डिसेटिस्फाइड, आ गया पॉलीनोमियल। तीसरा क्या है भाई, रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल, रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो आए तो मतलब कि फैक्टर होता है तो डायरेक्ट डिविजिबल वाला केस है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, डिग्री होनी चाहिए जीरो, तो भाई वो तो होगा ही सारा कि हमारा जब जीरो आ जाए तो वो वाले तो सारे होंगे, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन भी जो रिमाइंडर है जैसे वो कोई कॉन्स्टेंट भी आया टू थ्री फाइव तो इसकी भी डिग्री क्या है, जीरो, तो ऐसे भी केस में क्या हो रहा है, डिग्री जीरो, लेकिन ये हमेशा पूरा फैक्टराइज नहीं होगा, ये पूरा उसका डिविजिबल नहीं होगा इन केस में, तो भाई ऐसे भी केस बन सकते हैं, कोई गलती से पूछ दे भाई अगर डिग्री रिमाइंडर की जीरो है तो क्या जो डिवाइडेंट और डिवाइजर है आपस में पूरे फैक्टर्स होंगे, या डिवाइजर जो है फैक्टर होगा डिवाइडेंट का, क्या डिवाइजर पूरा डिविजिबल होगा, तो नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट भी तो आ सकते हैं, जैसे इस केस में आ गया है, ये वन क्या है, आर एक्स क्या है वन, तो यहाँ डिग्री क्या है, ये डिग्री हमारी क्या है, रिमाइंडर की जीरो, तो भाई इस कंडीशन को भी हम लोग इसी का एग्जांपल ले सकते हैं, अपने हिसाब से कोई और भी बना लो, कोई कॉन्स्टेंट थ्री फोर रख दो और बाकी इन दोनों को, मुझे लगता है अब सारे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये एक्सरसाइज कम्प्लीट आखिर में, तो अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और देखो कमेंट सेक्शन में बताओ अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए, हो सके लीनियर इक्वेशन या फिर चलो देखते हैं जो भी, चलो थैंक यू।